माता पिता हैरान होकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बृजमोहन शर्मा है। हाँ। मेरी बेटी 9th क्लास में पढ़ती है, मैं उसे छोड़ने के लिए आया था। हाँ। तो यहाँ पे देखा कि स्कूल का गेट बंद है, सभी टीचर्स वगैरह बाहर खड़े हुए हैं। टीचर्स ने बताया कि आज छुट्टी है। हाँ। तो पूछने की कोशिश की गई क्यों पेपर चल रहे हैं बच्चों के, तो मतलब क्यों छुट्टी है। तो उन्होंने कोई संतुलित जवाब नहीं दिया ठीक से, उन्हें पता भी नहीं था शायद। मगर फिर पता चला कि यहाँ पे बम की एक बच्चों को सबको बाहर निकाल दिया गया है और पुलिस अपनी कार्रवाई अंदर कर रही है। अपनी कार्रवाई कर रही है। मैं आपको तस्वीर दिखा दूँ, देखिए ये गेट खुला है, यहाँ पर आप देखें तो जो तमाम स्टाफ है वो इस वक्त आपको निकलते हुए दिख रहा है। सर क्या अभी कुछ मिला आप लोग को? कुछ नहीं मिला है। तो ये एक हॉक्स कॉल थी सर। तो ये ऐसा तो साहब बताएं, तो ये फायर ब्रिगेड के देखिए अधिकारी हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक हॉक्स कॉल थी, हमें अपनी जांच में फिलहाल कुछ नहीं मिला है। तो ये मदर मेरी स्कूल की कहानी है, उसकी तस्वीर है। और मैं आपको एक बार फिर इधर दूसरी तरफ ले जाऊं, देखिए तमाम फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो बच्चे हैं कुछ यहाँ पर मौजूद हैं, जो स्टाफ है वो यहाँ पर आपको मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा अंदर दिखाने की, जो तस्वीरें आपको यहाँ की दिख सके। तो आप देखिए लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार जारी है। हालांकि अभी तक ज्यादातर जो कॉल है वो हॉक्स कॉल मिली है। आप देखिए तमाम सुरक्षाकर्मी और तमाम अधिकारी फायर ब्रिगेड के लोग जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से जाहिर तौर पर इस तरह की कॉल मिलने के बाद हड़बड़ी की स्थिति हो गई और बहुत मुश्किलें पैदा हो गई, और खास करके माता पिता की जो चिंताएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, कुछ बच्चों के एग्जाम्स भी चल रहे थे। तो फिलहाल आप तस्वीर देखिए, ये मदर मेरी स्कूल, मैं एक बार आपको बोर्ड दिखा दूं, और ये मयूर विहार के इलाके में मौजूद है, जाना माना स्कूल है, बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जिस तरह की मुश्किलें आई हैं एक धमकी भरे ईमेल के बाद, उसके बाद पुलिस हो, फायर ब्रिगेड हो, स्थानीय प्रशासन हो, वो सब सजग हैं और यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस मदर मेरी स्कूल में हुआ क्या है। पूरा स्कूल इस वक्त कॉर्डन ऑफ है। आप बाहर की तस्वीर देखेंगे यहाँ पर, तो तमाम जो माता पिता है वो लोग भी यहाँ, कुछ लोग पहुंच गए थे, स्थानीय लोग पहुंच गए थे, क्योंकि पीछे यहाँ पर एक चिल्ला गाँव है। आप देखें पुलिस की जो PCR है, यहाँ पर PCR वैन आपको दिखाई दे रही होगी। तो तमाम आला अधिकारी पहुंचे हैं मौके पर, अंदर गए हैं, एक एक कमरे की जांच पूरी तरह से की जा रही है, एक एक जगह खंगाली जा रही है। और आप इसी स्कूल में गार्ड हैं, तो कितने बजे यहाँ पर ये सब हलचल शुरू हुई? कितने मैं तो अभी आधे घंटे पहले आया हूँ। हाँ, तो अभी सारा स्कूल खाली है? अभी खाली है पूरा, कोई नहीं है स्कूल में। तो सब चेकिंग वेकिंग चल रही है अभी, सब बच्चे बाहर अभी, तो अभी आज छुट्टी कर दी गई है? छुट्टी कर दी, तो स्कूल में छुट्टी कर दी गई है, जाहिर तौर की बात है, जिस तरह का बॉम्ब स्केयर कॉल थी। हालांकि अभी जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी आए थे उन्होंने साफ साफ कहा कि हमने पूरी तरह से जांच की है और ये हॉक्स कॉल थी, और हॉक्स कॉल का मतलब ये है कि सिर्फ डराने के लिए इस तरह का धमकी भरा ईमेल किया गया। और उसके बाद इस स्कूल में फिलहाल अभी तक की जांच में फायर ब्रिगेड को ऐसा कोई भी जो है वो सब्सटेंस नहीं मिला है जो कि जिससे खतरा हो सकता है। लेकिन फिलहाल दिल्ली भर के स्कूलों में जिस तरह की कॉल पहुंची है उसके बाद प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं कि आखिर ये बदमाशी, ये हरकत आखिर किसने की है, इसकी भी जांच शुरू कर दी गई है। हाँ। कॉल्स को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है और दिल्ली पुलिस का दावा है कि जल्द ही इन सभी फर्जी कॉल्स के पीछे जो लोग मौजूद हैं, जिनका हाथ है, उनको भी जो है गिरफ्त में ले लिया जाएगा। लेकिन आज राजधानी दिल्ली में जिस तरह से सभी स्कूलों में हलचल हुई और उसके बाद स्कूलों को खाली करना पड़ा, वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। और ये मयूर विहार का मदर मेरी स्कूल पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ है। कुछ एक बच्चे जो है यहाँ पर जरूर पहुंचे थे, कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो परेशान हुए। और यहाँ पर कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? अंबिका। आप किस क्लास में है? 11। तो क्या आप लोग को जानकारी मिली? क्या मैसेज है? जानकारी SMS आया था। हाँ, क्या मैसेज है? अच्छा, एन ईमेल वॉज रिसीव्ड मॉर्निंग। तो इसके बाद अभी क्या स्थिति है स्कूल में, कंडीशन क्या है लोगों को? सारे बच्चों को छुट्टी कर दी गई है, बाहर कर दिया गया? अच्छा, बाहर कर दिया गया। जैसी मतलब स्कूल में पता चला था तो फिर उन्होंने बस यूजर्स है उनको फिर वो कर दिया, मतलब डिस्पर्स कर दिया तुरंत ग्राउंड के थ्रू। ग्राउंड में बच्चों का पैनिक वो था। अच्छा, कंडीशन तो कुछ बच्चे यहाँ स्कूल में थे, मौजूद थे? हाँ, कुछ बच्चे आए थे कि जो बस स्टूडेंट्स हैं उनके। अच्छा, तो आप लोग की टीचर से, पेरेंट्स से, किसी से बात भी यहाँ पर क्या कह रहे? हाँ, एक पेरेंट से बात हुई थी। तो उन्होंने बताया कि उनके बच्चे जो है वो मतलब अभी घर मतलब वो पहुंचा नहीं है, तो मैं पापा के पास कॉल आया था, तो अभी पता नहीं वो घर पहुंची है या नहीं। अच्छा अच्छा, तो प्लेग्राउंड में बच्चे बहुत सारे मौजूद थे। हाँ, पैनिक हो गया होगा। हाँ, जो 10th क्लास के स्टूडेंट है उनका एग्जाम भी था। तो फिर एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। एग्जाम तो अभी कब बोला गया है, कब आना है, अभी इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी इनको बाद में। हाँ, बिल्कुल गौरव, बच्चे वहां पर बता रहे हैं कि क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम। और इस बड़ी खबर पर टाइम्स नाम नवभारत की नजर लगातार बनी हुई है। देखिए 3 तस्वीरें